झांसी, या हम कहें वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, इसको दूसरे नामों से अगर हम जिक्र करें तो ये गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश या गेटवे ऑफ बुंदेलखंड के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर दक्षिण से, पश्चिम से, पूरब से अगर आप कहीं से भी आते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का एक प्रवेश द्वार का काम करता है, क्योंकि ये है ही इतना खास और इसका जिक्र आप सभी लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। दोस्तों, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन यानी कि झांसी रेलवे स्टेशन इतना ज़्यादा विशेष है, इतना ज़्यादा खास है। आज हम आपको सारी बातें बताने वाले हैं कि इतना ज़्यादा खास क्यों है भारतीय रेलवे की श्रेणी में, और ये कैसे मंडल बना और क्या है इसका इतिहास। हम इतना डीपली आपको इतिहास नहीं बताएंगे, लेकिन रेलवे के हिसाब से जो आपको बताने लायक होगा वो हम आपको ज़रूर से बताने वाले हैं, और कितनी रेलवे लाइंस यहाँ पर आकर के मिलती हैं जो इसको एक इतना बड़ा रेलवे जंक्शन बनाती हैं, और झांसी रेलवे स्टेशन पर हर ट्रेन क्यों रुकती है। ऐसे सवाल आपके जो मन में है वो दोस्तों ज़रूर से आते होंगे, लेकिन आज सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झांसी उत्तर प्रदेश राज्य का एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी व्यस्तम रेलवे स्टेशनों की श्रेणी में आता है। हम अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का 7वां सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है, जहाँ पर प्लेटफॉर्म की कुल संख्या 8 है और ट्रैक्स की कुल संख्या 13 है। ये A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन में आता है और झांसी खुद एक डिवीज़न है यानी कि मंडल है। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज में आता है, जो कि ये खुद एक डिवीज़न है और इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज यानी कि जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था वहाँ पर स्थित है। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि झांसी रेलवे स्टेशन इतना ज़्यादा विशेष क्यों है। पहला प्रश्न हम आपके सामने ये रखते हैं और इसका जो जवाब है वो हम ही आपको बताते हैं कि इसको 1880 में ब्रिटिश शासन में खोला गया था और 1986 से 1987 के बीच में इसको इलेक्ट्रिफाइड किया गया था, यानी कि इसमें बिजली के जो तार है वो लगाए गए थे, यानी कि विद्युतीकरण किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा विशेष है किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर। इसका स्टेशन कोड था पहले GHS, क्योंकि इसका नाम था झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित था। अब ये एक इतना बड़ा मंडल था, इसको शुरुआत में ही मंडल का दर्जा मिला। शुरुआत में यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म बनाए गए थे और इसका पहला जो प्लेटफॉर्म है उसकी कुल लंबाई 770 मीटर की है, जो कि भारत में 6वां सबसे लंबा प्लेटफॉर्म के इतिहास में दर्ज है। अब एक बार में करीबन 2 से 3 ट्रेनों को एक नंबर प्लेटफॉर्म इसका हैंडल कर लेता था, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा विशेष है। इसमें कई अनाउंसमेंट हुई और कई अनाउंसमेंटों को बदला गया, और अभी वर्तमान में जो अनाउंसमेंट है वो आप लोग एक बार सुन के देखिए। 1 दोस्तों, अभी जैसा कि आपने अभी सुना, ये भी वर्तमान की अनाउंसमेंट सिस्टम है जो कि अभी वीरांगना लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी रेलवे स्टेशन पर इंस्टॉल की गई है। इससे पहले कुछ अलग थी। अब हम आपको बताते हैं कि हर गाड़ी यहाँ पर क्यों रुकती है, ऐसी क्या खासियत है इस रेलवे स्टेशन में। सबसे पहले ये एक इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, एक मतलब कि एक टेक्निकल पॉइंट है और उसके साथ साथ में कमर्शियल भी है। यानी कि टेक्निकल का मतलब ये होता है कि जो भी गाड़ी आती है उसमें ऐसे वाटर फिलिंग होती है, स्टाफ चेंज होता है, क्रू चेंज होता है, यानी कि क्रू में लोको पायलट होते हैं जो रेलवे चालक होते हैं ट्रेन के, और TT का जो होता है और गार्ड होते हैं, तो ऐसे जो तमाम जो क्रू होता है इनका पूरा, वो पूरा चेंज होता है यहाँ पर। और साथ ही साथ में हम आपको बता दें, एक कमर्शियल हॉल्ट भी है। इसको देखते हुए यहाँ पर टिकट की जो बुकिंग है वो यहाँ पर की जाती है, तो कमर्शियल के साथ साथ टेक्निकल भी है, तो ये काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन बन जाता है। इसको देखते हुए किसी भी ट्रेन्स में इतनी
मतलब कि किसी भी रेलगाड़ी में अभी तक इतनी क्षमता नहीं है जो कि झांसी को बिना रुके पार कर जाए। यही खासियत है और यही एक मंडल है जिसका झांसी मंडल के नाम से आप लोग जानते हैं। ये खुद एक मंडल है और यहाँ से तमाम गाड़ियाँ बंद करके अपनी जो यात्रा है उसका शुभारम्भ करती हैं और तमाम गाड़ियों की दिन भर में यहाँ पर यात्रा ख़त्म हो जाती है, यानी कि उनका गंतव्य स्थान भी है। अब हम आपको और बताते हैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में कि आखिर कौन कौन सी जो रेलवे लाइंस है वो झांसी रेलवे स्टेशन पर आकर के मिलती हैं, जिससे इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले नई दिल्ली मुंबई लाइन, यहाँ पर नई दिल्ली मुंबई मेल लाइन, ये एक मेल लाइन है जिस पर झांसी रेलवे स्टेशन बना हुआ है। आगरा भोपाल सेक्शन, दिल्ली चेन्नई मेल लाइन, झांसी कानपुर सेक्शन, झांसी मानिकपुर प्रयागराज सेक्शन, झांसी ग्वालियर इटावा सेक्शन और एक और नया सेक्शन है जो कि अभी बनने वाला है, ये एक प्रस्तावित है, झांसी सवाई माधोपुर सेक्शन। अब बताइए आप, इतनी ज़्यादा जो रेलवे लाइन्स हैं उन बिंदु पर ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है। अब इतना बड़ा है, इतना विशाल है और यहाँ पर सारी गाड़ियाँ रुकती हैं, यही वजह है कि इतना खास रेलवे स्टेशन माना जाता है, जहाँ पे आपको रिटायरिंग रूम्स की सुविधा, पार्सल की सुविधा और आपको जितना भी IRCTC की जो लॉन्च हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और रिफ्रेशमेंट्स के लिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी, क्योंकि ये एक A1 कैटेगरी में आने वाला रेलवे स्टेशन माना जाता है। दोस्तों, झांसी रेलवे स्टेशन के पास में लोको सेट की भी जो सुविधा है वो मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, एक है डीजल लोको सेट और एक है इलेक्ट्रिक लोको सेट। अब यहाँ बात आती है टेक्निकल की, तो यहाँ पर जो टेक्निकल जो स्टॉपेज होते हैं गाड़ी के, वहाँ पर जो इंजन है उनकी बदली भी यहाँ पर की जाती थी, यानी कि डीजल से इलेक्ट्रिक इंजन यहाँ पर लगते थे बिजली वाले, और बिजली वाले इंजन को हटा करके डीजल लगाते थे, तो ये प्रक्रिया भी काफ़ी होती थी पहले और ये अभी भी होती है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो डीजल जो लोको सेड है और जो इलेक्ट्रिक लोको सेड है वो दोनों यहाँ पर झांसी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन हो सकता है। दोस्तों, शुरुआत में जब इसको पहले मंडल बनाया गया था तो सबसे पहले वो था ब्रिटिश काल, और वहाँ पर जो दिल्ली का जो तुगलकाबाद है वहाँ से लेकर के जो भोपाल मंडल में आने वाला इटारसी रेलवे स्टेशन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, वहाँ तक इसकी रेंज हुआ करती थी, यानी कि झांसी मंडल पहले वहाँ तक हुआ करता था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो पहले मुंबई हुआ करता था। ये थी इसकी पहले की जो हिस्ट्री थी, वो इसी प्रकार यहाँ पर चली आ रही थी कि ये पहले इतना बड़ा मंडल हुआ करता था कि तुगलकाबाद से इटारसी के बीच में इसका पूरा जो है वो जो स्ट्रेच है वो पूरा झांसी रेलवे स्टेशन के अधीन में आया करता था। लेकिन समय के चलते आगे भी मंडल बनाए गए और इसके लिए यहाँ पर झांसी जो डिवीज़न है उसको थोड़ा सा कम किया गया और आज ये लमसम मान के चलिए आप कि उसका आधा ही रह गया। लेकिन इसका जो अभी हेडक्वार्टर है वो अब प्रयागराज में शिफ्ट हो गया, यानी कि उत्तर प्रदेश में, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से आप सभी लोग जानते थे। तो दोस्तों, पहले की बात अलग थी, पहले इसको झांसी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2022 में इसका जो नाम है वो थोड़ा सा बदल दिया गया है। क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई की मेमोरी में इसका जो नाम है वो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, जिससे पहले इसका स्टेशन कोड था JHS और अब वर्तमान में है VGLV, यानी कि वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार जो है वो इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री बनी थी। अब आपको दोस्तों क्या लगता है इस रेलवे स्टेशन के बारे में, या आप कभी भी इस रेलवे स्टेशन से पास हुए हैं तो आप मेरे को कमेंट में दोस्तों ज़रूर से बताना, और कितने लोगों का ये फेवरेट रेलवे स्टेशन रहा है तो आप लोग मेरे को दोस्तों कमेंट में ये भी बताना। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर दोस्तों ज़रूर से करना और लाइक ज़रूर से करना। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।